आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डल झील के किनारे योग सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे थे। उन्होंने लगभग 33 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इनमें वह नया कश्मीर की कहानी लिख रहे स्थानीय युवा उद्यमियों, खिलाड़ियों, छात्रों, डॉक्टरों और साहित्यकारों समेत समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वालों से भी मिले हैं। आपको बता दें, पीएम अपनी तीसरी पारी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने के लिए कश्मीर पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में आगामी अगस्त सितंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हुए हैं। आपको बता दें, जल्द ही कश्मीर को राज्य का दर्जा भी मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। पीएम ने कहा, सबको बांटने वाली दीवार अनुच्छेद 370 हटा दी गई है और अब प्रदेश में सभी को समान अवसर और अधिकार मिलेगा।